बेंगलुरु में कांग्रेस नेता शशि थरूर का विवादित बयान, पीएम की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की। थरूर ने कहा कि आप बिच्छू को ना तो हाथ से हटा सकते हैं ना चप्पल मार सकते हैं। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा शिवलिंग पर चप्पल मारने की बात अपमानजनक, शशि थरूर को देश से माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या केस में सुनवाई से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सबरीमला विवाद की तरह राम मंदिर पर भी जल्द फैसला दे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में आर्य समाज के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। 6 नवंबर को दिवाली के मौके पर अयोध्या आएंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, पूछा कि कोर्ट में चल रहे केस पर आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जयपुर रामलीला मैदान में चुनावी बिगुल फूंका, रैली कर जनता से चंदा देने की अपील, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट में कल से शुरू होगी अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर सुनवाई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे अध्यक्षता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर किया वार, कहा हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले आजकल खुद को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं। वोटिंग से ठीक पहले बीजापुर में हुए नक्सली हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और रमन सिंह पर नक्सलवाद से लड़ने में विफल रहने का आरोप लगाया। नक्सली हमले में शहीद जवानों को रायपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि, सभी जवान सीआरपीएफ की 168 बटालियन के थे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मिले पीएम मोदी, शिंजो आबे को मोदी ने दिया खास तोहफा, 2 दिवसीय दौरे पर जापान गए हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आज 49वीं बार की मन की बात, देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। मन की बात में पीएम ने सरदार पटेल का जिक्र करते हुए ऐलान किया कि 31 अक्टूबर को पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है, राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री खुद को भगवान कृष्ण से भी बड़ा रणनीतिकार पेश करते हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को फिर से जोड़ने का किया बचाव, अगले महीने मामले पर सुनवाई होनी है। 6 नवंबर को केदारनाथ जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि जनता की समस्याओं के आधार पर ही दूसरी पार्टियों से होगा गठबंधन। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से टाउन हॉल में नए मतदाताओं की मुलाकात, कहा समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए अपना योगदान दें। मध्य प्रदेश के देवास में वोटरों को लुभाने के लिए रातोंरात बनाई गई सड़क, जल्दबाजी में बनाई गई ये रोड एक ही दिन में उखड़ने लगी, स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की शिकायत। मध्य प्रदेश के इंदौर में रीगल चौराहे पर नजर आए विवादित पोस्टर, पोस्टर में राहुल गांधी को तेल ले जाते दिखाया गया, पोस्टर में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी तस्वीरें, सौजन्य की जगह पर लिखा है कांग्रेसी नेताओं का नाम। राहुल गांधी 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर जाएंगे, राहुल गांधी का सवा महीने में यह चौथा मध्य प्रदेश का दौरा होगा, यात्रा के दौरान उज्जैन, झाबुआ, धार, खरगोन और महू में सभाएं भी करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में पंचायती राज मंत्री धन सिंह रावत ने दिया विवादित बयान, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमान जब एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दे सकते हैं तो हिंदुओं को भी एकजुट होकर बीजेपी को वोट देना चाहिए। खट्टर सरकार के मंत्री रामविलास शर्मा ने करवा चौथ पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, महिलाओं की तुलना मंथरा से कर डाली, शिक्षा मंत्री रोहतक में एक जनसभा में महिलाओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र में 2019 चुनावों के लिए गठबंधन के नजदीक कांग्रेस और NCP 38 सीटों पर बनी बातचीत। पिटाई का ये वीडियो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने विवाहिता महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की, महिला ने विरोध किया तो उसके बाद भीड़ ने आरोपी को दबोचकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी दुर्गा उर्फ मंटू को हिरासत में ले लिया है।
मॉडल के हंगामे करने की तस्वीर मुंबई की है। सेलिब्रिटी होने का नशा मैडम पर इस कदर सवार है कि पुलिस को कुछ नहीं समझ रही। मॉडल पर अपनी ही सोसाइटी की गार्ड की पिटाई का आरोप है। जब पुलिस पहुंची तो मॉडल ने पुलिस से भी बदतमीजी की और अपने कपड़े भी उतार दिए। आग की ऐसी भीषण लपटें आपने पहले नहीं देखी होंगी। फायर ब्रिगेड और पुलिस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 50 दुकानों में लगी इस आग को काबू पाना इतना आसान नहीं था। लखनऊ के गुंडवा थाने की है ये घटना। आसमान तक उठ रही आग की लपटों की तस्वीरें मथुरा के सुरीला थाना के यमुना एक्सप्रेसवे की हैं, जहां गैस टैंकर और कार के बीच टक्कर होने से टैंकर में आग लग गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीरें मथुरा के वृंदावन थाना इलाके की हैं, जहां सीएनजी पंप से कुछ ही दूर पर खड़े टैंकर में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। मुंबई के अंधेरी इलाके में ग्रिल लगाने का काम कर रहे पिता पुत्र की 6 मंजिल से गिरकर मौत हो गई। हादसा अचानक ग्रिल के टूट जाने के कारण हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके में करवा चौथ की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल रामपुर के गन्ना किसान गन्ने के बकाया पेमेंट और चीनी मिलों को खुलवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। कल जब करवा चौथ था तो उनकी पत्नियां व्रत खोलने के लिए कलेक्ट्रेट विभाग के प्रांगण में ही पूजा की थाली लेकर पहुंच गई। तस्वीरें मुंबई की यशराज स्टूडियो की हैं, जहां फिल्म ठाकरे के प्रमोशनल गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इस मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत स्टूडियो पहुंचे। तस्वीरें मुंबई में चर्चा का विषय बनी हुई है। विराट अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल इस जोड़े की करवा चौथ की इन तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुणे में कल कोहली का मैच था, जिसके बाद कोहली अनुष्का के पास पहुंचे और करवा चौथ मनाया। दोनों ने रात 11 बजे के करीब करवा चौथ की तस्वीरें शेयर की। मुंबई एयरपोर्ट पर हैदराबाद जा रहे 55 साल के सत्यनारायण को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने जान बचाई। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। देश वायरल के बाद अब वक्त है ऐसी खबरों का जो विदेशों में वायरल हैं। कैलिफोर्निया के फ्रेशो शहर के 16 साल के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। इस खेल का नाम कजाबे कैन कैन है। इसमें एक व्यक्ति रस्सी के सहारे से दूसरे को कचरे के डिब्बे के ऊपर से इधर उधर फेंकता है और दूसरे शख्स को रस्सी छोड़कर कचरे के डिब्बे को छूना होता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के एंटी नारकोटिक सेल में काम करने वाली महिलाओं की हैं, जिन्होंने पेशावर में 400 किलो ड्रग्स को जलाकर राख कर दिया। ड्रग्स जलाने के बाद इन महिलाओं ने सेल्फी सेशन शुरू किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। कनाडा के वैंकूवर पुलिस में कुत्ते पुलिस वालों से ज्यादा फेमस हैं। हाल ही में वैंकूवर पुलिस ने 15 कुत्तों का फोटो सेशन करवाया। फोटो सेशन में कुत्तों का स्वैग देखकर हर कोई इनका दीवाना हो रहा है। वैंकूवर पुलिस इस फोटो सेशन से डॉग कैलेंडर बनाती है। 2009 से एक कैलेंडर छापे जा रहे हैं। अमेरिका के पिट्सबर्ग में मां ने अपनी बच्ची को डराने के लिए हैलोवीन डॉल का इस्तेमाल किया। दरअसल मां अपनी बेटी के साथ छुट्टियों में प्रैंक कर रही थी।
क्रिस्टल राइट ने फेसबुक पर अपनी बेटी के रिएक्शन का वीडियो पोस्ट किया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अमेरिका के विंस्टन में वॉलमार्ट कर्मचारियों के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल रालवी को 15 साल की उम्र से डांस का शौक रहा, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता है वो डांस करने लगता है। इस बार जब वो डांस करने लगा तो बाकी लोगों ने भी इसका साथ दिया। वीडियो को लगभग 53 लाख लोगों ने देखा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।